Baba, thank you for joining us. Two important awards, ek Sir Garfield Sobers Trophy, uske alawa ODI Cricketer of the Year. What do these awards mean to you personally? Means a lot. मेरे ख्याल से जिस तरह अनाउंस हुआ था एक तो वहाँ पे काफ़ी एक कहते हैं कि ऑनर की बात है. मेन चीज़ पाकिस्तान का नाम आया और आज ट्रॉफीज मिली हैं और इसमें जो एक्साइटमेंट और एक वो जो आपकी डेडिकेशंस होती हैं वो आप अचीव करते हैं कुछ तो आपको उसमें पूरा कॉन्फिडेंस मिलता है. तो वो चीज़ मिली है और बिल्कुल अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ. पेरेंट्स की दुआएँ हैं, टीममेट्स, फैंस, मेरे ख्याल से जितने भी लोग मेरे साथ अटैच हैं उनकी दुआएँ. तो मेरे ख्याल से काफ़ी खुश हूँ कि ये अवार्ड्स हासिल किए मैंने. लेकिन काफ़ी हार्डवर्क, प्लानिंग, डिफरेंट कंडीशंस में परफॉर्म करना, तो इससे आपको और मोटिवेशन मिलती है कि नेक्स्ट आपका जो भी गोल होता है, मेन चीज़ होती है कि आपने क्या गोल सेट किए होते हैं, तो उसमें आप जब अचीव करते हैं तो आपको पूरा सेटिस्फेक्शन मिलती है. अच्छा, यू ओनली द सेकंड क्रिकेटर फ्रॉम पाकिस्तान जो कि ये सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है. शाहीन शाह अफरीदी आप ही के टीममेट जो हैं ये भी जीत चुके हैं, तो इस पे कैसा लगता है कि यू नो यू हैव अ टीममेट जो कि ऑलरेडी अचीव कर चुका है, नाउ यू आल्सो गॉट होल्ड ऑफ दिस अवार्ड? ऑफकोर्स देखें, जब आपके टीममेट्स पहले अचीव कर चुके हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर पाकिस्तान के पास ही है. मेन चीज़ ये है कि फिर पाकिस्तान के पास ही ट्रॉफीज़ आई है और बिल्कुल जब इतना बड़ा आप अवार्ड अचीव करते हैं तो मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तान को प्राउड होता है और पाकिस्तान का नाम रोशन होता है और इंडिविजुअल आपको काफ़ी एक सेटिस्फाई मिलती है और आप कोशिश करते हैं कि आगे जो आने वाली क्रिकेट में इसमें आपको और कॉन्फिडेंस और बिलीव लाना पड़ता है और बिलीव आपको हर चीज़ में रखना पड़ता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर हमारे पास ये अवार्ड आया. अच्छा, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो आपको पहली दफ़ा नहीं मिल रहा, पिछली दफ़ा भी मिला था और अब हमने देखा है कि ये जो एक अचीवमेंट है कोहली के पास भी है कि ही इज़ वन इट टू टाइम्स इन अ रो. व्हाट अबाउट यू, आर यू लुकिंग फॉर दैट थर्ड ईयर एज वेल? ये साल क्या 2023 जो है साल एक बार फिर से बाबर आजम का होगा? होपफुली इंशाल्लाह. देखें, इस साल हमारी वाइट बॉल क्रिकेट काफ़ी है क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है, वन डेज काफ़ी हैं, तो बिल्कुल एम यही है. लेकिन एम जब आप एक एम के बारे में सोचते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं, ये नहीं कि आप डायरेक्ट ऊपर गोल की तरफ अचीव करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें अचीव करनी पड़ती हैं. और अभी माइंड सेट ये है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखेंगे. हाँ बिल्कुल, बैक ऑफ द माइंड यही होता है कि आपने अच्छा परफॉर्म करना है, लेकिन उसके पीछे हार्डवर्क, प्लानिंग, वो चीज़ें सारी आती हैं, उसके बाद फिर आप ये चीज़ें अवार्ड हासिल करते हैं. अच्छा, करियर एम्बिशंस के बारे में बताओ. ऑलरेडी तुमने एट दिस यंग एज यू अचीव्ड सो मच, अवार्ड्स के अलावा आई मीन नंबर्स, कैप्टन ऑफ द टीम, क्या एम्बिशन है? कोई ऐसी चीज़ जो तुमने सोची भी है कि ये when I look back at my career, I think कि इस चीज़ से I feel very proud. Ambition मेरा यही है कि मैं वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा हूँ और वर्ल्ड कप जीतूँ. और ambition मेरा यही है कि अभी कमिंग वर्ल्ड कप आ रहा है और उसमें कोशिश ये है कि अच्छी परफॉर्म करूँ और वर्ल्ड कप जीते हम. और इंडिविजुअल आप चीज़ें आप उसको कैरी करते हैं, लेकिन मेरा अभी जो गोल और एम्बिशन यही है कि वर्ल्ड कप जीते. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ऑब्वियसली करियर आपका इवॉल्व किया है, ग्रो किया है, हू हैज़ बीन द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस? यू नो, जो एक ऐसा इंसान जिसने आपको हमेशा सॉर्ट ऑफ सपोर्ट किया और इन्फ्लुएंस किया. इस पूरी जर्नी में मैं कह सकता हूँ कि मेरे फादर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत मुझे बैक किया. और अर्ली स्टेज में देखें इतनी आपको समझ नहीं होती, लेकिन उन्होंने मुझे तकरीबन, अगर मैं गलत ना हूँ, कोई 6-7 साल मुझे वो बाइक पे लेके, वो जहाँ पे भी मैच होते थे वहाँ पे मुझे लेके जाना, वहाँ पे बैठ के देखना, मुझे मेरे पे नज़र रखना, तो वो एक चीज़ मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती थी. और उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला क्योंकि वो
क्रिकेट देख देख के उनको पता था कि मेरी किस तरह की गेम है, मैं कहाँ पे गलत होता था या कहाँ पे मैं ठीक हो सकता था या कहाँ पे मैं अच्छी और खेल सकता था। तो वो चीज़ मुझे उनकी बहुत हेल्प मिली और अभी भी मुझे हेल्प मिलती है। जब भी मैं कभी कुछ भी मेरा बैड फॉर्म चल रही होती है तो वो डेफिनेटली कहते तो रोज़ ही हैं लेकिन वो स्पेशली मुझे वो चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ और भी बहुत लोग हैं स्कूल में, मैं कह सकता हूँ कि मामा जी हैं अनाजल जो थे मेरे स्कूल के कोच, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की। NCA में जब आए तो मंसूर भाई, जाज़ भाई, इन्होंने बहुत हेल्प की और मुझ पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेन चीज़ मैं कह सकता हूँ मेरे फादर। ठीक है, इज़ देयर एनी मेंटोर और अगेन अ पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस या कोई आपका कोच रहा हो जिसने आपको एक ऐसी एडवाइस दी हो जो आपके साथ रही हो? यू नो इट कुड बी एनीवन इन योर प्लेइंग डेज व्हाइल यू वर ग्रोइंग अप और एनीवन करंटली, यू नो एनीवन जिसने आपको कोई ऐसी एडवाइस दी हो, क्या एडवाइस थी एंड व्हाई हैज़ इट स्टक विद यू, लाइक वो याद रहे आपको कि ये एडवाइस? काफ़ी नहीं दी है, बहुत लोगों ने दी है और उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन एक एडवाइस मेरे जो मैंने अभी बोला कि स्कूल के कोच थे हमारे मामा जी, उन्होंने मुझे बोला था कि जब भी आप अंदर जाओ पहली बॉल खेले और आखिरी बॉल खेल के खुद वापस आओ। तो वो कोई मुझे 2 साल लगे वो समझने में कि इसका मकसद क्या था। तो वो लेटर ऑन जब आप जब ग्रेजुअली खेलना शुरू किया थोड़ी सी समझ आई, तो फिर समझ आई कि यार उसमें आप 3 स्टेज खेलते हैं, नया बॉल, स्पिनर, फिर और बॉल। तो वो चीज़ मुझे क्लिक की कि यार वो उसमें आप तीनों फेस खेल लेते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह और भी बड़ी चीज़ें हैं लेकिन ये चीज़ मेरे साथ हमेशा ही चलेगी। Cover drive of Barbara Azam. Save your legs, that's 4.